सो गाइस अभी रात के 3 से भी ज्यादा बज रहे हैं। मेरा मुंह देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं आधी नींद से उठाया गया हूँ। मतलब भाई मतलब लाइट भाग रखी थी, 3-4 घंटे हो गए, फिर इन्वेटर भी डाउन हो गया ना, तो पंखे बंद हो गए सब, तो फिर आँख खुली क्योंकि तो 4-5 पंखे, मतलब 4-5 तो नहीं 3-4 पंखे चल रहे थे, एग्जॉस्ट फैन चल रहा था, तो भाई इन्वेटर भी जल्दी डाउन हो गया। और भाई खतरनाक बारिश हो रखी है, बाहर तूफान आ रखा है। आधा घंटा तो मुझे हो गया देखते हुए, बिल्कुल बराबर स्पीड बनी पड़ी है, जितनी तेज आधे घंटे पहले पड़ रही थी अब भी उतनी तेजी पड़ रही है। भाई रात के 3:40 हो रहे हैं, देख रहे हो तुम, ये हो बाहर आंधी आ रखी है, मतलब तूफान आ गया, बारिश की आवाज भी सुन सकते, देख रहे हो, अरे बिजली बढ़ गई है भयंकर, बिजली देख रही यहीं पर रखा है, इधर भी शायद अभी दिखाता हूँ, फिर से जगह जगह ध्यान कर कितनी खत्म है, अंदर सब में आ जा रही है, बारिश की तूफान आ रखा है, पूरा घर पड़ा, यहाँ पे भी पानी भर गया बुरी तरीके से, हटाऊँ से हाथ डाली जा, रुक जा मैं हटाऊँ, मैं हटा दे ठीक है, पूरा पानी भर रखा है, अरे खतरनाक ठंडा आ गई है, अरे बन जा खतरनाक तूफान आ रखा भाई, सब खतरनाक, चलो अंदर चल रहे हैं। लगभग 3:30 बज रहे हैं भाई, अब मैं पूरा भीग चुका हूँ, क्योंकि ऊपर भी सब हटा के आने पड़ी जाली, वरना पानी भर जाता पूरी छत पे, और फिर बहुत खतरनाक लाइटनिंग हो गई है। और ये जो घर के सामने वर्कर्स रहते हैं, इनके भी घर में पानी घुसने लगा, बेचारे जाग रहे हैं, मतलब पहले साइड वाले घर में रहते थे हमारे, फिर हमारा साइड वाला घर बनने वाला है, तो फिर इन्हें खाली करना पड़ा, तो यार इनके घर में भी पानी भरता हुआ दिख रहा है, ये भी जाग रहे हैं बेचारे। ये कैमरा ऐसा सिनेमेटिक शूट कर रहा है, मैं ऑन करके सेट कर दिया इसका एंगल खतरनाक करके, देखो यहाँ से शूट हो रहे हैं बढ़िया कर। गाड़ी भी हमारी इधर से उधर घूम पड़ी है, साइड वाले की उधर नहीं है, मैं जरा जरा इधर, अरे अरे छाड़ो आवाज नहीं इधर, अरे वो सोच रहा आप खेल लियो उसके साथ, दुबक रही हो ढूंढ रहा है, लो जी गाइस फाइनली लाइट आ चुकी है, देखो अब आपको सब कुछ दिख पा रहा होगा अच्छे से, क्योंकि लाइट वाइट बस सब भाग गई थी, तो स्ट्रीट लाइट सब बंद हो गई थी, और भयंकर बारिश दिखाता हूँ तो कितनी पड़ी है, सुबह उठ के चेक करते हैं क्योंकि अभी भी अंधेरा हो रहा है, नहीं देख पा रहे हैं ठीक है, सुबह उठ के चेक करते हैं सब। अब भी जो है बारिश रुकी नहीं है, दिख रही होगी आपको जब मैं जूम कर जाता हूँ, तो अब भी पड़ रही है ठीक है, और सामने देख सकते हो आप ये सब पानी हो गया, भर गया, थोड़ा सा अंदाजा लगा लो, बाकी सुबह दिखाता हूँ, इतनी बारिश पड़ी है, ये देखो यहाँ पे कम दिख रहा है, बहुत बारिश पड़ी है, यहाँ पे भी पानी भर गया, यहाँ पे सुबह वाइपर लगेगा तो सब अंदर जाएगा उधर, फिलहाल चप्पल गीली हो गई, अंदर चलते हैं। सो गाइस फाइनली जो है लाइट आ चुकी है, कम से कम 1.5 घंटे बाद, 3 बजे के आसपास भागी थी, और अब 4:40 हो रहे हैं, फाइनली लाइट आ गई है, और भाई अब मैं चल रहा हूँ सोने, मतलब मुँह भी पहले से नॉर्मल हो गया है, मतलब शरीर को भी ऐसा लग रहा है कि हम उठ चुके हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है अभी कम से कम, ओ मतलब अभी कम से कम मैं 4 घंटे सोने वाला हूँ, बिकॉज सुबह जिम जाता हूँ, जिम जाने से पहले अच्छी नींद चाहिए, 4:30 हो रहे हैं, 8:30 तक और सोऊंगा, फिर 9 बजे अपने जिम भाग जाएंगे। और भाई बहुत खतरनाक बारिश पड़ी है भाई, इतनी अबे मच्छर साइड हो जा, बहुत खतरनाक बारिश पड़ी है भाई साहब, बेचारे लोग भी अब जाके सोएंगे, क्योंकि बारिश थोड़ी हल्की हो गई है, बूंदाबांदी पड़ रही है, फिलहाल अपन लोग भी सोने चल रहे हैं, साइडों भी अंदर पहुँच गया सोने, मम्मा डैडी पहुँच गए, और भाई मुझे भी नींद आ रही, मैं भी चल रहा हूँ सोने भाई, बहुत ही नींद आ रही है, बाय टेक केयर, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। हेलो क्या कर रहे हो वहाँ पे, उतर जाओ, ये कोई जगह बैठने की, काम हो रहा है यहाँ पे, कैसे बैठे हुए हैं यहाँ पे। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड, अभी जो टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं, और आज का जो मौसम हो रहा है बड़ा खतरनाक हो रहा है, बस अभी मुझे मंदिर जाना है, बस तब तक बारिश न पड़े, फिर तो जितनी मर्जी बारिश पड़नी है फिर पड़ जाए। सो गाइस मंदिर जो है यहाँ से 7 किलोमीटर है, मतलब बीच में बहुत सारे मंदिर पड़ते हैं, लेकिन जिसमें मैं जाता हूँ वो यहाँ से 7 किलोमीटर है, महाकालेश्वर नाम है, और साइडों भी मतलब टॉयलेट करने निकाल रखा है भाई, ये भी टॉयलेट करके आएगा, तो इसे अंदर करके हम चल रहे हैं मंदिर, और जाऊँगा मैं 2-व्हीलर से, बिकॉज अगर गाड़ी से गए ना तो मेरे कई सारे चलान कट जाएंगे रास्ते में, क्योंकि DL है नहीं, और स्कूटी तो साइड से चुपचाप निकाल दूँ। Thank you.
आज तो नीचे नहीं आया तू, क्यों नहीं आया? कुछ इतनी बारिश हुई आज, जैसे पहाड़ों पर कोहरा हो जाता है ना, देखो हल्का हल्का स्मोक से, मतलब रियल आइज से दिख रहा है, कैमरे से दिख पा रहा होगी नहीं, पता नहीं चल पा रहा। देखो फॉग फॉक्स हो गया, यहाँ पे दिख रहा होगा फॉग फॉक्स हो गया, जैसे पहाड़ों पर होते हैं ना बादल नीचे आ जाते हैं फिर ऐसे जाते हैं मुँह से छूते हुए, वैसा सीन हो गया यार। अब भी देखो उधर, देखो बारिश पड़ रही है, ऊपर से गिर रही है, दिख रही होगी पानी में। और देखो इधर सब में पानी भर गया, उधर हम क्रिकेट खेलते हैं, उधर पानी कितना भयानक भरा हुआ है, इस घर में भी भर जाता पर खुला हुआ है। अबे हट जा पीछे से, फिर आ जाएगा। सो गाइस जो है क्रिकेट खेल लिया, मतलब भाई साहब भयंकर मजा आ गया। और तुम बाहर दो कितना पानी जम गया है, घर का घर बनना है, उधर देखो पीछे प्लॉट में पूरा पानी भरा पड़ा है, इधर अंदर पार्क में पानी भरा पड़ा है, और सामने जहाँ हम क्रिकेट खेलते हैं वहाँ तो भाई खतरनाक करके पानी भरा हुआ है, और भाई पूरा मजा आ रहा है। और भाई आज 15 दिन हो गए बिना जिम गए हुए, तो भाई जिम भी बहुत मिस कर रहा हूँ, बट ट्यूसडे से मैं कंटिन्यू कर दूंगा फिर से, और बिल्कुल भी गैप नहीं लेंगे, क्योंकि रामनगर गए थे, दिल्ली गए थे, तो बहुत सारा गैप आ गया। और भाई खतरनाक मजा आ रहा बारिश में, कम से कम 3-4 घंटे हो गए बारिश लगातार पड़े जा रही है, और हम खेले जा रहे हैं। और बॉल जो यार पीछे गिर गई है, अभी लेकर आते हैं, तो सोच रहे अभी क्या ही खेलें, जाके नीचे नहा लेते हैं, फिलहाल देखते जैसा भी होता है। और मैं पुराने व्लॉग भी एडिट कर रहे हैं, जो इतने दिनों से मैंने रामनगर वगैरह वहाँ सबके बनाए थे, वो सब भी एडिट करेंगे। फिलहाल मैं फोन अंदर ले जा रहा हूँ ना, ये भी भीग के खराब ना हो जाए। सो गाइस अभी मैं और उन्नेंद्र जा रहे हैं किसी काम से, काम ये है, मतलब अभी पीछे जतन भैया और उनके दोस्त भी आ रहे हैं, हमें एक जिम खोलना है, तो उसके लिए एक खाली जगह हमें मिली है, एक खाली हॉल है, उसे देखने चल रहे हैं फटाफट। देखो यहाँ से शुरुआत होगी, जो ट्रेडमिल वगैरह के लिए, साइकिलिंग वगैरह, कार्डियो, मैंने सोचा बना लूँ, अभी देख लेंगे, डाल लेंगे सब डालने में, तो ऊपर यहाँ सब हर ये रोड आ गई, ये स्कूल स्कूल भी है, हॉस्पिटल सब है इधर। ये अंदर तो गाइस ये देखिए कितना बड़ा पार्सल आया, कम से कम 1 फुट का, और ये कंपनी देख के आप समझ गए होगे किस चीज का पार्सल आया है। तो गाइस अगर इसकी अनबॉक्सिंग आपको देखनी है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो चैनल, मिलते हैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइस मैंने सोचा कि आपको ये दिखाई देता हूँ, ये है एटम का मेरा न्यू वे प्रोटीन, जो कि 4 किलो का भयंकर खतरनाक भारी है, इसमें पूरे में वे प्रोटीन है। और गाइस इसकी जो फुल वीडियो है वो बहुत जल्द 1-2 दिन में अपने चैनल पर आने वाली है, तो जिसको भी देखनी है वो एडवांस बता रहा हूँ, वो इसकी पूरी वीडियो देख लेना, और थोड़ी सी डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, मिलता है 27 ग्राम प्रोटीन, ये। तो गाइस पूरी वीडियो देखनी है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें।